हमारे साथ मंत्री जवाहर सिंह मैडम जी मौजूद हैं। मैडम जी, आपका कल जन्मदिन था, बट परसों से ही आपके कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ आपका जन्मदिन मना रहे हैं और कल था, आज तक मनाया जा रहा है, और जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे जन्मदिन को लोगों ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जिसमें गौ पूजन से उसकी शुरुआत की गई और उसके बाद लगातार रक्तदान के शिविर, नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर, वृक्षारोपण, अनाथ आश्रमों में भोजन कराना, असहाय गरीबों को कपड़े वितरित करना, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प आम लोगों ने किए हैं। फ्री कैंप यानी स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं और ज़रूरतमंद लोगों को लाभ मिले, सामाजिक सरोकार से जोड़कर मेरे जन्मदिन को मनाया गया है। मैं आभारी हूँ सभी आयोजकों का। आज यहाँ आमेर की धरती पर भाई विकास गुजर और भरत मीणा ने, दोनों ने और उनकी पूरी टीम ने, जितने भी युवा साथी हैं, सब ने यहाँ ब्लड कैंप लगाया, जिसमें मैंने अभी पूछा तो 300 से अधिक लोग अभी रक्तदान कर चुके हैं, जो अनवरत रूप से अभी चल रहा है। मैं आभारी हूँ इन सब लोगों का कि आप इस पुनीत कार्य में जुड़कर मेरे दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। मैं तो धरातल का व्यक्ति हूँ साहब, लोगों की सेवा का संकल्प मेरे मन में है और इन लोगों ने और मुझे दृढ़ और मजबूत किया है कि मैं अपने संकल्प को दृढ़ता से पूरा करूं, आम व्यक्ति ज़रूरतमंद की सेवा करके अपना जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करूं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस थीम को लेकर के चल रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति में बैठे व्यक्ति का विकास कैसे हो, उसकी योजनाएं लागू करके सरकार के माध्यम से हम सहयोग दे सकें। आज और एक अनूठा प्रयोग हुआ है कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने 88000 2024 पर मिस कॉल देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली। तो ये अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं साहब। पर आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या क्या जानना चाहेंगे? आजकल जिस हिसाब से देखा जा रहा है ये काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं। जब से हमारी सरकार आई है तब से साइबर अपराध के खिलाफ और जिस तरह के भी अपराध इस राजस्थान में होते हैं सबके खिलाफ कठोरता से कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। पिछली सरकार में तो नेताओं के संरक्षण में अपराध होते थे, अब सरकार ने तय किया है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो उसका स्थान सलाखों के पीछे है। और आप देख रहे होंगे पिछले 8-8.5 महीने में पेपर लीक के प्रकरण में 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, उनके RPSC के मेंबर गिरफ्तार हुए हैं, एक को रात को ही गिरफ्तार हुए, उनको शर्म आनी चाहिए। उससे पहले ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, संगठित अपराध करने वाले जो गिरोह थे वो खत्म से हो गए हैं, महिला अपराध पर अंकुश लगा है, दलित अत्याचार समाप्ति की ओर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। आप पूरे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपके राज में पेपर लीक नहीं होंगे? देखिए, मैं तो युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप तो पढ़िए और बढ़िए, राजस्थान की सरकार आपके सारे सपनों को पूरा करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।